ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताजा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में दो ऐसी बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक होने वाली है, जो की आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाला 3 दिनों का दिन कैसा रहेगा, जो की आप लोगों के लिए 29, 30 और 31 अक्टूबर का समय, जो कि यह 3 दिन आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदल लेना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से वह महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, जो कि आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतरीन बना सके। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आने वाला समय आपको अत्यधिक भावनात्मक रूप से दिखाई देगा, जिसके कारण भी आप लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत एवं दिक्कतें महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित कर सकता है, इसके लिए आप झुंझुलाहट पैदा होंगी। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आने वाले इन 3 दिनों के समय अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से बचना होगा। इस दौरान आपके जीवन में कई प्रकार के अचानक से खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप ना चाहते हुए भी अतिरिक्त बोझ आर्थिक बोझ बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए अपने बड़े भाई बहन से किसी भी प्रकार के आर्थिक रूप से मदद ले सकते हैं। इस दौरान चंद्र राशि से द्वितीय भाव में केतु के स्थित होने के कारण आपका गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसके कारण संभव होता है कि आप उनके डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में पड़ना भी पड़ जाए। इस दौरान चंद्र राशि से संबंध में शनि छठी भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण काम को लेकर आपके अंदर उत्साह एवं ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है, जिसका सीधे तौर पर असर आप लोगों के करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई भी किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक को सुन सकते हैं। चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण वह छात्र जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्कूल अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस दौरान कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव होता है कि आपको किसी के माध्यम से कोई भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपका मन उदास होगा। बुधवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजन करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। जीवन में खुशियां रहेंगी, ऐसी कई संभावनाएं बनेंगी जब आपको रोमांच के लिए पर्याप्त और कई मौके शुभ मिलने वाले हैं। इस दौरान आप अपने प्रेमी के साथ अकेले समय व्यतीत करने दिखाई देंगे, लेकिन आज ऐसा बहुत ही कम समय के लिए संभव हो सकेगा, इसलिए इस दौरान अविधि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूलते हुए इस दौरान दाम्पत्य जीवन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। जीवन साथी से आपको दिल की सारी बातों को करने का भरपूर समय मिलने वाला है, जिसका उत्तम लाभ उठाते हुए वो उनके सामने वह सभी बातें का साझा कर सकेंगे जिससे साझा करने में आपको पूर्व में परेशानियां आ रही थी। आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। जीवन में कुछ खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं। तमाम परेशानियों का निदान होने वाला है और दिन सुपर बेहतर कार्य हो। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां।